मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजरंग दल पर बैन संबंधी दिए गए बयान को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कालने में भी बजरंग बली को ठीक करने निकला था, उसकी गति क्या हुई यह जनता जानती है। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का यही राजनीतिक चरित्र है कि पहले भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया और अब उनके भक्त शिरोमणि बजरंग बली पर हमला कर रही है। संगवारी हो, ये कांग्रेस के चरित्र ला देखाओ समझाओ। एक तरफ कांग्रेस पार्टी हमार भांचा भगवान राम ला काल्पनिक बताई और अब भगवान राम के अनन्य भक्त बजरंग बली के बारे में एमन उल्टा सीधा बोला थे और आज ये बात ला समझे की जरूरत है कि एक तरफ जब भुवनेश्वर साहू के सामूहिक रूप से मिल के हत्या हुई तो जिहादी मानसिकता के अमन की गिरफ्तारी नहीं होते और मुखिया जी एको शब्द नहीं बोलते। मुखिया जी के पिता घलाव हमार भाचा राम बर अब शब्द बोला है, मुखिया जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। और अब बजरंग बली के अनन्य भक्त बजरंग बली के जिन उपासक है तेन मन ऊपर बेल लगाए के बात कर रहे थे कहा छत्तीसगढ़ में हनुमान चालीसा के पाठ करना अपराध है, का छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस निकलवाना अपराध है, का छत्तीसगढ़ में गौ माता के रक्षा के काम करना अपराध है, का छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है। तो ये बात ल समझे की जरूरत है। तो ये बजरंगी जनमन देश सब समाज के हित में काम कर रहे थे उकर से काबर अतेक कांग्रेस पार्टी और हमारे मुखिया जिला तकलीफ है ये समझे के जरूरत है। आज छत्तीसगढ़ के जनता जानना चाहते हैं।